हेलो फ्रेंड्स, होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये मेरा रोज़ का प्लांट है और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ इसको हमने नवंबर में ही लगाया है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। और देखिए कितने अच्छे पत्ते हैं इसके, काफ़ी हेल्दी चमकदार। आज सुबह बारिश हुई है हमारे यहाँ, इस वजह से ये आपको पानी की छोटी छोटी बूंदें नज़र आ रही हैं। और हमने आज ही सुबह इससे बहुत सारे फ्लावर भी कट किए, एक ही पेड़ में एक साथ बहुत सारे फूल आते हैं और जब ये फूल दिखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत लगता है हाँ हमारी मेहनत सफल हो गई। ये देखिए, हाँ पत्ते काफ़ी पीले हो चुके हैं क्योंकि इसमें हमने फरवरी में ही फर्टिलाइज़र दिया था बोन मिल, उसके बाद से हमने इसमें कोई भी हैवी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है गर्मियों की वजह से, और अब इसे कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। इस वजह से ये देखिए काफ़ी पत्ते टूट कर गिरे हुए हैं, अगर ये पत्ते गमले में रह जाएंगे तो इनसे फंगस का अटैक हो सकता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है इसलिए इन्हें गमलों से साफ़ करना ज़रूरी होता है। इनको हम लोगों को हटा देना चाहिए अपने गमले से, गमले को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जिस तरह से हमें साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारे पौधों को भी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, इसलिए टाइम टाइम पर इन्हें हटाते रहना चाहिए, क्योंकि जो खाना चाहिए पौधों को वो ये भी लेते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र डला हुआ है गमले में, ये वेस्ट जाता है, इसलिए पौधों पर जो पीली पत्तियां हो जाती हैं इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इन पत्तियों को देखकर हटाते रहना चाहिए। और गुलाब, जैसा कि सभी को पता ही है कि फूलों का राजा है, तो इसकी थोड़ी अच्छी केयर, अच्छी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इसकी बराबर हल्की प्रूनिंग हम करते रहेंगे तो ये हमारा पौधा बहुत पुशी हो जाता है और एक साथ बहुत सारी कलियाँ आती हैं, 15-20 फ्लावर। ये देखिए हमने सारे उसमें से वेस्ट पत्ते निकाल कर के हटा दिए। और ये देखिए, ये जो आज सुबह हमने अपना फूल कट किया था पेड़ से, देखिए एक साथ कितने सारे फूल, और जब इन्हें देखिए तो बस मन एकदम खुश हो जाता है, लगता है हाँ हमारी मेहनत सफल हुई। देखिए ये चांदनी का फूल है, ये भी बहुत प्यारा पेड़ है मेरा, बहुत खूबसूरत। देखिए इन सब पर देखिए पानी पड़ा हुआ है, रात में जो सुबह 4 बजे करीब बारिश हुई थी, और कितना इसमें बारिश की बूंदें अभी भी नज़र आ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसी तरह बस देखते रहिए हमारे चैनल को और मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।